जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। मैं आज आपको किसी को अपने वश में करने का तरीका बताने आई हूँ। वैसे तो वो प्रेम प्रेम ही नहीं होता जिसमें आपको उपाय, तंत्र या मंत्र करके किसी को वश में करना पड़े, लेकिन कभी कभी हालात और मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो कहीं ना कहीं बदलने लगता है, उसका मन हमारे प्रति हटने लगता है। तब ऐसी परिस्थितियों में हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जो सच्चे मन से अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए अगर आप करें तो उनका आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आज एक ऐसा ही उपाय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको ये सारे उपाय बताने चली आती हूँ। चलिए जी, आप समझिए भी, देखिए भी और उसके बाद इस उपाय को करिए भी। जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपसे प्रेम करें, आपकी बात सुने और आपके साथ सदा रहें, उस व्यक्ति का नाम आपको ऐसे पान के पत्ते के ऊपर लाल रंग की रोली या लाल सिंदूर जिसे आप बोलते हैं उसके साथ मोर पंख की कलम से लिख लेना है। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, आप नाम लिखिएगा, एक्स वाई जेड जो भी हो आप उनका नाम लिख दीजिए। तत्पश्चात आपको इस पान के पत्ते के ऊपर 5 लाल रंग की गुंजा रख देनी है, 5 गुंजा जो लाल रंग की होगी। आपको इस पान के पत्ते को धीरे धीरे करके फोल्ड कर देना है, गुंजा बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको धीरे धीरे करके इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब जो पान की डंडी होती है ना, इस डंडी को आपको 3 बार श्रिम बोलकर श्रिम 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 तोड़ देना है और उसके बाद पान के पत्ते को आपको कलावे के साथ इसे बांध देना है, जिसे आप मोली भी कहते हैं। अच्छी से इसे आप बांध देंगे। बांधने के बाद आप इस पान के पत्ते को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सूरज की रोशनी ना आती हो। ठीक 11 दिन के बाद आप इस पान के पत्ते को निकाल कर, रविवार का दिन नहीं होना चाहिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 11 दिन के बाद आप इस पान के पत्ते को निकाल कर पीपल के पेड़ के नीचे दबाएंगे। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय है, आपके जीवन में इसका अद्भुत प्रभाव आएगा और आप हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए जी, ज़रूर करिएगा ये उपाय और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल करिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।